नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश यादव आप सभी लोगों को मेरे इस YouTube प्लेटफॉर्म विक्टोरियन मंच से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग लिट्नो सीरीज की 59 वीडियो देखेंगे। सॉरी, मुझको थोड़ा कोल्ड रखा है ना। इसमें हम लोग जानेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को रफली यहाँ पर देख लेते हैं। पहले होता क्या है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में सुना होगा, जिसको बोलते हैं समावेशी शिक्षा। ठीक है, ये जो समावेशी शिक्षा होती है, यहाँ पर कोई डिसेबल्ड हो या फिर कोई वीकर सेक्शन हो, चाहे कोई भी डिप्राइव्ड सेक्शन हो, चाहे अमीर हो गरीब हो, सब लोग एक साथ मिलकर बैठ कर जब एक क्लासरूम में पढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, समावेशी शिक्षा। तो बस ऐसे ही क्या है कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है, फाइनेंशियल मतलब लोगों को जो वित्तीय जो इंक्लूजन हो रहा है लोगों का, जो कौन लोग, कमजोर लोगों का जो वित्तीय इंक्लूजन हो रहा है, समावेशी हो रहा है, लोगों के पास बैंक अकाउंट हो रहे हैं, लोग उसका यूज कर पा रहे हैं, ठीक है, उसकी क्वालिटी क्या है, क्वालिटी देखी जा रही है, ठीक है, ये सब चीजें क्या हो रही हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स बोला जाता है इसको। ठीक है, तो इंडिया की रैंक इसमें है, इसको बारे में चर्चा करेंगे। और ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसको देखते हैं हम आगे। दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझ लेंगे कि डिस्कस क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है चर्चा में क्यों है, न्यूज में क्यों है, और जो निकल के जो रिपोर्ट आई है, इंडेक्स क्या होता है, एक सूची होती है, तो सूची में जो इंडेक्स निकल कर आया है वो क्या है उसके बारे में देख लेंगे। और ये जानेंगे कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है ये क्या है उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। और जो इसका इम्पोर्टेंस है, किसका, FI का, फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और लास्ट में देखेंगे हम लोग व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी वित्तीय समावेशन क्या है। ठीक है, तो हाल ही में क्या हुआ है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने FII रिजर्व रिलीज किया है, जिसमें ये क्या करती है कि जुलाई के एंड में एवरी ईयर क्या होता है, ये रिलीज होता है, क्या, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स RBI द्वारा ये रिलीज होता है। जो रिजल्ट निकल के आया है, जो इंडेक्स में निकल कर आया है, निकल कर ये आया है कि 2021 में लोगों को ये जो इंडेक्स की रैंक था 53.9 था, जो कि बढ़ के अब 2022 में कितना हो गया, 56.4। ठीक है, अब ये जो इम्प्रूवमेंट देखा गया है, ये इसके जो तीन बेसिस हैं, एक्सेस, AWC, AWS, एक्सेस, यूजेस और क्वालिटीज। तो एक्सेस मतलब क्या होता है कि लोगों को कितना तक पहुंच है, कहां पर, बैंक के पास, यूज कितना कर पा रहे हैं आम नागरिक, बैंक तक कितना पहुंच पा रहे हैं, कितना यूज कर पा रहे हैं, और जो बैंक की जो फैसिलिटी है वो कितना क्वालिटेटिव है, कि लोगों को वो चीजें प्रोवाइड कर दे रही हैं। ठीक है, ये तीन इंडिसेस हैं। ठीक है, इनके बेसिस पर ही क्या किया जाता है, ये इंडेक्स रिलीज किया जाता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स पूरे इस एक ही स्लाइड में देख लेते हैं, इसके बारे में, अबाउट के बारे में जानेंगे, मतलब अबाउट, और इसका जो एम है, एक फाइनेंशियल इंक्लूजन का उसका एम, उद्देश्य देखेंगे, और इसके पैरामीटर्स हैं उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। तो ये इसका जो अबाउट में देखते हैं कि ये जो डेवलप्ड किया गया है RBI के द्वारा, और ये पब्लिश किया जाता है हर जुलाई के एंड में। ठीक है, इसको एक प्रकार से कम्प्रिहेंसिव इंडेक्स माना जाता है। कम्प्रिहेंसिव इंडेक्स मतलब कि हर चीज को नोट डाउन करता है। ठीक है, जैसे कि डिटेल ऑफ बैंकिंग, जितने भी बैंकिंग में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ये सब नोट डाउन करता है। बैंक के द्वारा कितना इन्वेस्टमेंट किया गया उसके बारे में, पोस्ट ऑफिस में जो भी बैंक होता है ना उसके बारे में, जो पेंशन सेक्टर में जितने पैसे एलोकेट होते हैं ना, ये सब चीज यहाँ पर निकल कर आती है। अब एम में क्या होता है कि ये टू कैप्चर द एक्सटेंट ऑफ FI अक्रॉस द कंट्री, मतलब क्या कर देना है कि FI को पूरे कंट्रीज में क्या कर देना है, लागू कर देना है। इस प्रकार से रिस्पॉन्सिव कैसे है, रिस्पॉन्सिव टू मतलब कि लोग क्या कर सकें, एक्सेस पा सकें, बैंकिंग का लाभ उठा सकें, अवेलेबिलिटी हो तभी तो लाभ उठाएंगे। और जो सर्विसेज जो निकल कर आती हैं बैंकिंग में, ठीक है, बैंकिंग से उसकी जो सेवाएं होती हैं बैंक की, वो लोग यूज कर पा रहे हैं, और जो सर्विसेज, जो सेवाएं बैंक के द्वारा दी जाती हैं लोगों को, वो क्वालिटेटिव होती है या नहीं।
ठीक है। अब पैरामीटर के देखेंगे तो यहाँ पर 0 से 100 तक के बीच में इसका पैरामीटर तय होता है, 0 से 100 के बीच में। अब 0 क्या होता है, कंप्लीट एक्सक्लूजन होता है, और जो 100 होता है कंप्लीट इंक्लूजन होता है। जो एक्सक्लूजन मतलब बाहर, इंक्लूजन मतलब अंदर, एक प्रकार से मतलब यहाँ पर समावेशी एकदम कम्प्लीटली है और यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इसके जो 3 ब्रॉड पैरामीटर क्या है, एक्सेस है, एक्सेस एक्सेस की जो जो क्राइटेरिया रखा गया है, जो लिमिट है 35% है, यूजेस का 45% है, और जो क्वालिटी का है 20% रखा गया है। अब हम लोग सिग्निफिकेंस के बारे में देखते हैं, ये क्या करता है, मेजर द लेवल ऑफ इंक्लूजन, इंक्लूजन किस बेसिस पर हो रहा है। 3 क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है। एक क्या है, क्वालिटी, एक्सेस और यूज। इसके बेसिस पर कि वल्नरेबल सेक्शन, जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, और आम नागरिक भी कितना ज्यादा मतलब वो कर पा रहे हैं, समावेशी मतलब कि कितना ज्यादा बैंकों का सेवा उठा पा रहे हैं। और डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, ये जो इंडिकेटर्स है ये भी है, क्वालिटेटिव, एक्सेस, यूजेस, ये सब क्या है। और ये जो फुलफिल द G20 इंडिकेटर्स, जो G20 है उसका जो इंडिकेटर्स है उसमें ये क्या करती है, उसमें उसकी नीड को पूरी करती है, मतलब एक प्रकार से पैरेलल है दोनों, जो G20 का जो इंडिकेटर है सेम उसी प्रकार FI का भी इंडिकेटर है। और क्या है, फैसिलिटेट रिसर्चर्स, और ये जो रिसर्च निकल कर आते हैं उसको मतलब रिसर्च जो प्रोवाइड करती है लोगों को, जो इंडेक्स निकालते हैं, ठीक है, उन लोगों पर ये वाली बात हो रही है। ये मतलब इतना ज्यादा ये इसका इम्पोर्टेंस है कि जो सोसाइटी के ऊपर जो लोगों का बैंकों से न जुड़ पाना, उन सब चीजों को ऐसे लोगों को क्या करना कि मतलब रिसर्च करना, प्रोवाइड सुविधाएं प्रोवाइड करना, ठीक है, उनके द्वारा इंसेंटिव गवर्नमेंट के द्वारा लागू करना, ये सब चीजें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं, ठीक है। सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसके वो क्या है, उसकी परिभाषा एकदम एक्यूरेट देखते हैं ना। तो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग एक्सेस, प्रोसेस है, ठीक है, टू फाइनेंशियल सर्विसेज, टाइमली एडिक्वेट क्रेडिट वेयर नीडेड बाय वल्नरेबल ग्रुप्स सच एज वीकर सेक्शन, लो इनकम ग्रुप्स एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट। अब देखो ये समझना होगा कि ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है ये क्या है, ये एक प्रोसेस है, ये जो इंश्योर करती है, ठीक है, कि आप जो वीकर सेक्शन है, जो कमजोर सोसाइटी के लोग हैं, उनको क्या हो, गवर्नमेंट की जो बैंकिंग सर्विसेज हो क्या प्रोवाइड हो, एडिक्वेट मात्रा में हो, ठीक है, और टाइमली प्रोवाइड हो, और क्या हो कि ये मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के साथ ना हो, अफोर्डेबल कॉस्ट के साथ उनको क्या हो, प्रोवाइड हो जाए। अब क्या है कि जो इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लोग हैं, ज्यादा तरीके से हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इज अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है, बहुत सही बात है। यहाँ पर भी यही सही बात है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है, जैसे कि क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन होता है, इंडिया एक बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड कंट्री है, ठीक है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन को लाना, ठीक है, बोल देना और करने में बड़ा फर्क होता है, तो यहाँ पर बोलना बड़ी इम्पोर्टेंट, वो मतलब कम से कम बोला तो जा रहा है एक प्रकार से समझो, तो इंक्लूसिव सेटअप तैयार करना बहुत ही मुश्किल है। तो सेम इसी प्रकार फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल पार्ट है, ठीक है। और जब से इंडिपेंडेंस से क्या हुआ है कि ऐसे ऐसे एफर्ट गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं, जो रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन है, सिविल सोसाइटी है, जो क्या करती है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को क्या करती है, बढ़ावा देती है, ठीक है। और क्या है लास्ट में कि बीइंग एबल टू हैव एक्सेस टू ट्रांजेक्शन अकाउंट इज फर्स्ट स्टेप टूवर्ड ब्रॉडर फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसका जो सबसे अगर मेन लक्ष्य जो देखा जा रहा है कि कम से कम लोगों के पास क्या हो, एक अकाउंट हो जाए और क्या हो, वो ट्रांजेक्शन कर सकें, भी कोई भी सब लोग कम से कम जो इंडिया के जो जितने भी निवासी हैं वो लोग क्या कर सकें, यूज कर सकें, कम से कम बैंक उनके पास अकाउंट हो, ठीक है। सिंस द ट्रांजेक्शन अकाउंट अलाउ पीपल टू स्टोर मनी, अब जब ट्रांजेक्शन होने लगेगा तो पैसे लोग इसमें इकट्ठा करेंगे, लोगों को अपने आस पड़ोस लोगों को भेजेंगे, अपने रिलेटिव को भेजेंगे, रक्षाबंधन पर लोग अपने बहन को भेजेंगे, ठीक है, और यहाँ से रिसीव पेमेंट होगा, ठीक है, ये सब है पूरा। और ट्रांजेक्शन अकाउंट सब एज अ गेटवे टू अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, और जब ये ट्रांजेक्शन हो जाएगा तो ये एक प्रकार से एक द्वार हो जाएगा, और भी जो फाइनेंशियल सर्विसेज जो सेवाएं निकल कर आती हैं, वित्तीय सेवाएं जो मिलती हैं,
उसके लिए बहुत ही ज्यादा मतलब वो हो जाएगा। जैसे कि मान लो मनरेगा है, तो मनरेगा अगर आपके पास अकाउंट नहीं होगा तो आपका पैसा कहाँ आएगा, प्रधान आएगा, प्रधान खा जाएगा, ठीक है। तो बस ऐसे जैसे सुकन्या कन्या विद्याधन है, ठीक है, ये सब चीज जितनी भी स्कीम्स हैं, अगर आपके पास अकाउंट नहीं होंगे, चाहे किसान क्रेडिट फंड है, ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड से जो पैसे निकल कर आते हैं, ठीक है, वो सब आपके पास अकाउंट तो होने चाहिए ना। तो बस उसी प्रकार ये भी है दोस्तों। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है योगेश यादव चिरा, फेसबुक आईडी है योगेश यादव चिरा, आप लोग इस पर मुझसे जुड़ सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो पूछ सकते हैं। और ये मेरे चैनल का लिंक है, लिंक नहीं सॉरी लोगो है, ठीक है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी टूडे, थैंक यू।